हेलो दोस्तों, रीडो बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 7 हैबिट्स के बारे में जो दुनिया के ज्यादातर बिलियनर डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ बिलियनर्स। एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस और भी बहुत से बिलियनर की स्टडी करने के बाद और बहुत से लाइव इंटरव्यू सुनने के बाद हम कुछ ऐसी हैबिट्स की लिस्ट निकाल पाए हैं जो सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन ये सभी बिलियनर्स डेली बेसिस पर अपने आप से ये आदतें जोड़े रखते हैं, क्योंकि सीक्रेट सिर्फ आदतों में नहीं है बल्कि उन सभी आदतों को डेली फॉलो करने में है। हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग इसको रियलिटी बना पाते हैं। बिलियनर्स और बाकी लोगों के बीच अंतर ये है कि वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं सक्सेस या मनी के अपनी गोद में गिरने का वेट करने के बजाय। वो हर एक दिन कदम उठाकर फिनिश लाइन के करीब आते हैं। बिलियनर बनना एक इम्पॉसिबल ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन हर साल सेल्फ मेड बिलियनर का काउंट बढ़ रहा है। हाँ, ये कोई केक वॉक नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो पॉसिबल है और आपकी समझ में है। एलन मस्क, मार्क क्यूबा और जैक डॉर्सी जैसे बिलियनर हर दिन ऐसी चीजें करते हैं जो उनके पैशन पर फोकस करने और उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद करती हैं और अपने गोल्स के साथ खुद को अलाइन करती हैं। और ये सब करने के लिए आपको असिस्टेंट या स्टाफ की जरूरत नहीं है, इन्हें कोई भी कर सकता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। तो चलिए फिर बिलियनर्स की 7 डेली हैबिट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बिलियनर रोज मेडिटेट करते हैं। हम हर समय अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ बिलियनर्स के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में लोगों को उन फायदों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है जो आपके दिमाग को साफ करने के बाद मिल सकते हैं, जिसमें याद रख पाने में सुधार और स्ट्रेस को हैंडल करना शामिल है। बिलियनर्स अलग नहीं है। इनफैक्ट ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी हर रोज सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं। अगर आपने पहले कभी मेडिटेशन नहीं की है तो हर दिन की अच्छी शुरुआत के लिए सुबह में कुछ गहरी और शांत सांसें लेने की कोशिश करें। आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट में माइंडफुलनेस मेडिटेशन के फायदे पा सकते हैं। मेडिटेशन स्ट्रेस को कम कर सकता है, याददाश्त को बढ़ाता है और यहाँ तक कि आपके इम्यून सिस्टम में भी सुधार कर सकता है। बिलियनर्स सुबह जल्दी उठते हैं। जल्दी उठना सक्सेसफुल लोगों की सबसे कॉमन आदत है। बिलियनर ऑन एन एवरेज सुबह 5:30 बजे उठते हैं और उनका मानना है ये आदत उनकी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक बनाता है। आप शायद रोज स्नूज बटन दबा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त कई बिलियनर अपना दिन शुरू कर चुके होते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 50% बिलियनर अपने काम शुरू करने से 3 घंटे पहले उठते हैं। बिलियनर जल्दी शुरू करते हैं। यह टिप आपके फाइनेंस के साथ साथ आपके करियर की सफलता के लिए जरूरी है। आर्थिक रूप से अपने पैसे की बचत करना और जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना शुरू करें। बिलियनर्स को कंपाउंड इंटरेस्ट के भारी मूल्य का एहसास होता है और ये कि अब इन्वेस्ट किया गया कम पैसा भी फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है। इसके अलावा दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां 40 से कम उम्र के CEO द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे कि सबसे फेमस मार्क जुकरबर्ग जो सिर्फ 36 साल के हैं। ये यंग CEO जीवन के शुरुआत में अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करने में सक्षम थे और इसका यूज उन्होंने अपनी सक्सेस को पाने के लिए किया। सक्सेस को पाने के लिए आपको यंग होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये रवैया अपनाना चाहिए कि अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करना कभी भी जल्दी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कम एक्सपीरियंस है तो भी अपने करियर में छलांग लगाने से ना डरें। अगर आप अवसर लेने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं तो ये कभी नहीं आएगा। बिलियनर हेल्दी रहते हैं। हर बिलियनर के पास एक स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रिजाइम होता है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। यहाँ तक कि ज्यादा बड़ी उम्र वाले लोग भी रेगुलरली दौड़ते हैं और जिम जाते हैं। वो हफ्ते में कम से कम 3 बार ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। ज्यादातर अपने सुबह की रूटीन में एक स्पोर्ट्स को शामिल करते हैं। स्पोर्ट्स से बिजनेस के भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं। स्पोर्ट्स आपको वाइटल एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ देता है। ये आपको क्लियर सोचने में मदद करता है, आपको डिसिप्लिन और परसिस्टेंट बनाता है और सफल होने की इच्छा शक्ति पैदा करता है। इससे आप टीम वर्क, जीत और हार और ह्यूमिलिटी भी सीखते हैं। इसके साथ साथ बिलियनर्स हेल्थ डाइट्स को भी मेंटेन करते हैं। साइंस ने यह पाया है कि रेगुलर एक्सरसाइज से मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन और मेंटल शार्पनेस बढ़ती है। ये वो लक्षण है जो आपके करियर और सक्सेस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। मार्क क्यूबा, जिनकी टोटल वेल्थ $3 बिलियन के आसपास है, हर रोज 1 घंटा कार्डियो को देते हैं। रिचर्ड ब्रांसन एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी उठते हैं। उनका दावा है कि इस आदत से उनके दिन में 4 घंटे तक की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
अगर आपने इसे अब तक शुरू नहीं किया है तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और मेंटल क्लैरिटी में सुधार करने के लिए अपने डेली रूटीन में लगभग 30 मिनट की एक्सरसाइज जोड़ दें। बिलियनेयर रोज पढ़ते हैं, पढ़ने कैसी एक्टिविटी है जिसके लिए बिलियनेयर रोज वक्त निकालते हैं। लगभग सभी बिलियनेयर रेगुलरली पढ़ते हैं, जैसे कि नेशनल डेलीज, बायोग्राफीज, इंडस्ट्री मैगजीन्स और बिजनेस बुक्स। इन्वेस्टर वॉरेन बफे अपने दिन के 80% वक्त पढ़ने में बिताते हैं, जिसमें वो बुक्स के 600 से ज्यादा पेज पढ़ते हैं। और ज्यादातर बिजनेसमैन अक्सर उन बिजनेस के बारे में जानने के लिए दिन में 3 घंटे पढ़ते हैं जिसमें वो काम करते हैं। अपनी पढ़ने की प्रेफरेंस के बावजूद बिलियनेयर्स उन बुक्स को पढ़ते हैं जिनमें उन्हें वैल्यू एडिशन मिलता है। हम भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप करना रिकमेंड करते हैं। टॉपिक्स की एक प्राइमरी लिस्ट बनाएं, दिन के खास वक्त पर पढ़ने की आदत डेवलप करें और जो पढ़ते हैं उसको मार्क करें या नोट्स बनाएं। यूएस के एक्स प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने एक बार कहा था, सभी रीडर्स लीडर नहीं हैं, लेकिन सभी लीडर रीडर्स हैं। जब एलन मस्क से पूछा गया कि उन्होंने रॉकेट बनाना कैसे सीखा, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं किताबें पढ़ता हूँ। सेल्फ मेड बिलियनेयर हर रोज अपने एरिया में एक्सपर्ट बनने के लिए ट्रेंड्स, कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल न्यूज की स्टडीज करने के लिए वक्त देते हैं और अप टू डेट रहते हैं। बिलियनेयर डिसिप्लिन होते हैं। बिलियनेयर्स अब तक के सबसे डिसिप्लिन लोगों में से एक हैं। वो अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए हाई स्टैंडर्ड रखते हैं। आप बड़े रिजल्ट पा सकते हैं अगर आप जो किया जाना चाहिए उसके लिए अपने आप को लगातार डिसिप्लिन रखते हैं। और डिसिप्लिन होना वेल्थ को बिल्ड करने का एक की फैक्टर है। लेकिन बिलियनेयर्स किसी भी तरह से सुपर ह्यूमन या सही तरीके से काम करने वाले रोबोट्स नहीं हैं। वो भी कभी कभी आपके और मेरे जैसे आलसी महसूस करते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि वो इस फैक्ट से अवेयर हैं और वो खुद को सुस्त नहीं होने देते हैं। वो अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए मेहनत करते हैं। बिलियनेयर जवाब में ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओपरा विनफ्रे कहती हैं, केवल वही लोग नहीं गिरते हैं जो कभी बड़ा काम करने की कोशिश नहीं करते हैं। सभी बिलियनेयर्स और बिग थिंकर्स में एक बात कॉमन है कि उन्हें अपने जीवन में कभी ना कभी नहीं कहा गया था। ट्रिक ये है कि फिर भी चीजों को करते रहना। समझें कि नहीं सिर्फ किसी की राय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन सक्सेस स्टोरीज के साथ डिफरेंस ये है कि उन्होंने पूरे एक्सपीरियंस और रिजेक्शन को आगे पुश किया और यहां तक कि उन्हें सक्सेस के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी रिजेक्शन पत्थर की लकीर नहीं है, यह सिर्फ एक अलग इंसान का नजरिया है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आशा करते हैं कि इन सभी आदतों को अपनाकर आप अपनी लाइफ की सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन कौन सी आदतें आज से ही फॉलो करना शुरू करेंगे और रोज करते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।